सपना के किचन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल नए तरीके से पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारी पनीर की सब्जी कितनी टेस्टी और लाजवाब बनी हुई है। तो आप भी इस रेसिपी एक बार मेरे बताए तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ 500 ग्राम पनीर लिया हुआ है। तो चलिए अब कढ़ाई में तेल गर्म करके हम पहले पनीर को तल लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें पनीर को डाल देंगे। हम थोड़े थोड़े पनीर को डालकर तलेंगे इसमें। पनीर को हमें ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं तलना है, बिल्कुल हल्का ही तल के हमें इसे निकाल लेना है। पनीर का कलर देख सकते हैं फ्रेंड, हल्का चेंज हो गया है, तब हम इसे प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप, कुछ इसी तरह से हमें पनीर को तलना है। तो चलिए अब हम सारे पनीरों को तलकर रेडी कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने सारे पनीर को तलकर यहाँ पर निकाल लिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे अलग अलग देख, यहाँ पर मैंने एक प्याज को लेकर पीसेस में स्लाइसेस में इसके अलग अलग कर लिए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे हल्का सोटे होने तक भून लेते हैं। बिल्कुल हल्का ही नरम होने तक हमें इसे भूनना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। प्याज हल्का मुलायम हो गया फ्रेंड, तब अब इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज को लेकर बारीक बारीक काट लिए हैं। हम इसे इस तेल में डालकर भून लेना है। साथ ही हमने एक गांठे लहसुन की और 1 इंच अदरक के ले लिया है, इसे भी हम इसी में डालकर भून लेंगे और इन सबके एक बारीक पेस्ट तैयार करेंगे भूनकर। तो चलिए अब हम इसे भून लेते हैं बिल्कुल कलर चेंज होने तक। देख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारे प्याज है, लहसुन है और अदरक काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल कर एक इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को हमने तेल से बाहर निकाल लिया है, इसे हम पीस का बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। साथ में हम इसके साथ 2 टमाटर भी पीस लेते हैं मसाले के लिए। तो चलिए हम इसे पीस कर रेडी कर लेते हैं। मसाले को हमने पीस कर बिल्कुल रेडी कर लिया फ्रेंड। हमने कढ़ाई में वापस से तेल गर्म कर ली है। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम उसमें 1/2 चम्मच जीरा, 2 से 3 इलायची, 3 लौंग और दालचीनी के टुकड़े को डाल देंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें पीसे हुए मसालों को डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से हमें मिलाते हुए चला लेना है। अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, इससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें तीखे वाले लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हमने मिर्च यहाँ पर नहीं पीसे हुए थे, और 1/2 चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे फ्रेंड। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें मसालों को अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए भून लेना है फ्रेंड, जब तक हमारा तेल अच्छी तरह सेपरेट ना हो जाए। तो चलिए अब हम मसाले को भूनकर रेडी कर लेते हैं। 6 से 7 मिनट हो गए फ्रेंड, देख सकते हैं जो मसाले हमारे काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हुए हैं। तो चलिए अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी हम यहाँ 1 गिलास डालेंगे और पानी को अच्छी तरह से हमें मिलाते हुए चला लेना है। तो चलिए अब हम इसमें पनीर और कटे हुए प्याज के स्लाइस को डाल देते हैं। साथ ही हम यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, हमने इसे बीच से कट कर लिया है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तब हम इसे 2 से 3 मिनट ढककर उबाल लेते हैं, सब्जी को अच्छी तरह से पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए फ्रेंड, देख सकते हैं सब्जी में हमारी काफ़ी अच्छे से उबाल आ गई है और सब्जी भी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। देख सकते हैं आप, पनीर की सब्जी हमारी खाने के बिल्कुल रेडी हुई है, कितनी अच्छी और लाजवाब दिख रही है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, पनीर की सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हुई है और एक कितनी अच्छी और स्वादिष्ट दिख रही है। कलर भी इसका काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो आप इस रेसिपी को चावल या रोटी के साथ ट्राई कर सकते हैं। मेरी बताई हुई रेसिपी अगर आप सबको पसंद आए फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।